गुरुजी, हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं, फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा ये बताओ, हम सांस रोज लेते हैं छोड़ते हैं, देखा है कभी हवा को? हवा को देखे भी ना कैसे मान लिया कि हवा है? हर चीज देखने से ही मानेंगे? नहीं, भगवान देखने की वस्तु नहीं है। जिसको देखना है वो हमसे अलग दूर रहना पड़ेगा। कोई चीज आंखों के बहुत करीब लेके आओ, दिखता है? नहीं, आंखों से देखने के लिए दूरी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? भगवान को इतना दूर रखोगे? जो सांस से भी नजदीक है उसको देखने की वस्तु क्यों बनाते हो भाई? ये भूल हुई हमारे देश में, क्या हम देखने की चेष्टा करते रहते हैं? देखो मत, महसूस करो। जैसे आपका शरीर तो दिखता है, आपका मन किसी को दिखता है क्या? मन तो दिखता नहीं है, फिर मन है कि नहीं? और मन से भी सूक्ष्म जो है आत्मा, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। वो परमात्मा दिखेगा कैसे सामने आगे तुम्हें? परमात्मा का मौजूदगी महसूस कर सकते हो। ऐसे ही प्यार, प्यार तो दिखने वाली चीज नहीं है, मगर प्यार का झलक, माने प्यार की जो किरणें दिखते हैं, महसूस होते हैं, मगर जिनका आंख नहीं वो भी प्यार महसूस करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो भगवान देखने की वस्तु नहीं है, जिस शक्ति से हम देखते हैं, दृष्टा वही भगवान। योग का पहला सूत्र यही है। योग सूत्र में सबसे पहला सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग है चित्त की वृत्ति को निरोध करना। तब क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, तब हम दृष्टा के स्वरूप में, रूप में, माने देखने वाले के जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाते हैं।